हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी सीजीएल 2019 टायर 1 6 मार्च 2020 फर्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस। फ्रेंड्स, हम लोग ने कोशिश की है कि मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन आ गए हैं हमारे पास, हम उनको आपके साथ डिस्कस करें। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले सेक्शन से। तो पहला सेक्शन है जनरल अवेयरनेस सेक्शन का। सो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन था आपका कि हस्बैंड ऑफ नूर जहाँ, या जिनको मेहरुनिसा भी कहा जाता है, वो पूछा गया था। सो अब इसमें अगर फर्स्ट हस्बैंड जो थे उनके वो अली कुली थे, और उनकी डेथ के बाद मेहरुनिसा की शादी जो थी जहांगीर के साथ हुई थी, और तब उनका नाम जो था वो नूरजहां पड़ा था। तो अगर ये पूछा, अगर ऑप्शन में अली कुली था तो अली कुली होगा, और अगर जहांगीर था तो इसमें आंसर जहांगीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, पूछा गया था कि प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका कौन है, तो वो है महिंद्र राजपक्षे। और उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हु टॉप द फाइनेंस ब्रांड नेशन रैंकिंग, तो इसका जो आंसर है वो है मुंबई। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था शिलोंग मेघालय में। एक क्वेश्चन गाइस आपसे पूछा गया था कि आर्टिकल विच गिव्स एक्सेस टू इंटरनेट, तो ये आर्टिकल 19 होगा यहाँ पर। और ये जो न्यूज थी ये काफी चर्चा में थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में के जो हाईकोर्ट है उसने इस पर डिस्कशन भी किया था कि जो एक्सेस टू इंटरनेट है ये जो है आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है या नहीं आता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हु रिलीज्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स, एसडीजी इंडिया इंडेक्स किसने रिलीज किया, तो ये नीति आयोग ने रिलीज किया। और फ्रेंड्स, ये हमने अपने क्वेश्चन ऑफ द डे में भी पूछा था क्वेश्चन, आपने अगर फॉलो किया होगा तो आपने ये आंसर आसानी से मार्क कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जयकवाड़ी डैम जो है वो किस नदी पर लोकेटेड है, तो इसका आंसर है गोदावरी। और ये जो जयकवाड़ी डैम है ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, वो पूछा गया था कि विक्रम सांवत जो है वो कब शुरू हुआ था, तो ये 57 BC में स्टार्ट हुआ था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हु वाज अवार्डेड द इंडियाज मोस्ट पावरफुल वुमेन इन मीडिया अवार्ड, सो इसका जो आंसर है वो है कली पुरी। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एलिसा हेली सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन अ वुमेन्स T20 मैच, और शी बिलोंग्स टू विच कंट्री, तो ये ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर है। अगला क्वेश्चन था कि विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड मैच फिक्सिंग अ क्राइम, तो मैच फिक्सिंग को क्राइम किस कंट्री ने डिक्लेयर किया है, तो श्रीलंका ने डिक्लेयर किया है। ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन है। और देख लेते हैं और क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आपको डिजीज दी हुई थी और उसमें पूछा गया था कि इसमें से कौन सी वायरस से कॉज नहीं होती है, तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस आए हैं, उसमें HIV, हेपेटाइटिस और सिफिलिस दिया हुआ था। तो सिफिलिस जो है ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये वायरस से नहीं होता है, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। अगला क्वेश्चन जो था, एक क्वेश्चन था कि मर्दानी खेल इज द मार्शल आर्ट फॉर्म ऑफ विच स्टेट, तो मर्दानी खेल किस स्टेट की मार्शल आर्ट फॉर्म है, वो है महाराष्ट्र की। तो आप देखिए, आर्ट एंड कल्चर से एक क्वेश्चन तो जरूर जरूर पूछा जा रहा है, कभी फेस्टिवल से, कभी आपसे आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाले सेक्शन से पूछ लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर जो आर्किटेक्चर है वो कहाँ पर लोकेटेड है, और यहाँ पे आपसे जैसे डांस फॉर्म से भी क्वेश्चन था, तो यहाँ पे मार्शल आर्ट फॉर्म से क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन रेपो रेट, तो रेपो रेट पे इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट होगा, तो रेपो रेट इंक्रीज हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि CR फॉर्मूला किससे रिलेटेड है, तो सी राजगोपालाचारी ने ये फॉर्मूला दिया था, और ये क्यों दिया था, टू सॉल्व द पॉलिटिकल डेडलॉक बिटवीन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और सेम ऐसा ही क्वेश्चन और किसी एग्जाम में भी पूछा गया था, मुझे वो याद तो नहीं आ रहा है, बट सिमिलर सेम क्वेश्चन था कि CR फॉर्मूला किसने दिया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि डैश कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, तो इसका आंसर हो जाएगा आयोटा, जो कि लार्जेस्ट आर्टरी है ह्यूमन बॉडी में। और यहाँ पर हमने जनरल अवेयरनेस सेक्शन के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इंग्लिश सेक्शन के देखते हैं कि इंग्लिश में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। कुछ आपसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे गए थे, जिसमें एक था ओवेशन, जिसका सिनोनिम होता है अप्लॉज, एक था परसिस्ट, परसिस्ट की मीनिंग होती है टू कंटिन्यू समथिंग, एक था प्रेफर, प्रेफर मतलब फेवर करना या फिर किसी चीज़ को पिक करना, चूज करना, और एक था वर्ड स्ट्राइडेंटली, तो उसका मीनिंग होता है लाउड एंड हार्श साउंड। तो यहाँ पे जो स्ट्राइडेंटली है ये हमने अपने वर्ड ऑफ द डे में कवर किया था, अगर आपने फॉलो किया होगा तो ये आपने सही मार्क कर लिया होगा। और एक्टिव पैसिव से एक क्वेश्चन था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से एक क्वेश्चन था, और मिसस्पेल्ड वाले सेक्शन से कुछ क्वेश्चन थे, आपको ये ऑप्शंस में गिवन थे, अबेंडन गिवन था, अबेंडन मतलब गिव अप,
एक्वेंटेंस गिवन था मतलब किसी चीज से फेमिलियर होना या फिर किसी चीज से एसोशिएट होना, ग्रीफ गिवन था मतलब दुख जो होता है, और सीज गिवन था, सीज का मीनिंग होता है स्नैच, कैप्चर या कॉन्फिस्केट। और एक क्वेश्चन था आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस से, तो उसमें आपको इडियम था बाय एंड बाय गिवन था, और इसका मीनिंग होता है इवेंचुअली, फाइनली या फिर इन द एंड, तो इसमें जो भी ऑप्शन में गिवन होगा वो आंसर हो जाएगा। और एक क्लोज टेस्ट गिवन था जिसमें से 5 क्वेश्चन थे, और वो क्लोज टेस्ट बेस्ड था एटलस एंड हर्क्युलिस ब्रांड पर, और पीक्यूआरएस टाइप के जो क्वेश्चन है जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट के हैं उसमें से एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था, और एरर स्पॉटिंग से एक क्वेश्चन था, और एक आपसे पूछा गया था कि ग्रुप ऑफ शिप्स को क्या कहते हैं, तो वो फ्लीट होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर इंग्लिश के भी क्वेश्चन जो भी अवेलेबल थे हमने आपसे डिस्कस कर लिए हैं इस शिफ्ट के, तो अब हम देखते हैं कि बाकी सेक्शन में और से क्वेश्चंस पूछे गए थे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? कैसा गया आपका पेपर हमें कमेंट करके बताइए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन से। लॉजिकल रीजनिंग एज यूजुअल क्वाइट ईजियर साइड पे आ रही है। स्टार्टिंग से जैसा लेवल था लॉजिकल रीजनिंग का आपका, उसी टाइप का लेवल अभी तक चल ही रहा है, वही सेम पैटर्न से चल रहा है। ऑड वन आउट आ गए हैं आपके, ऑड वन आउट से दोस्तों आपके 3 क्वेश्चन ऑड वन आउट से थे, उसमें से एक क्वेश्चन था आपका नंबर बेस्ड क्वेश्चन था, उसमें आपको 250, 169, 196 और 121 जो है वैल्यूज दी थी 4, और इसमें आपको ऑड वन आउट बताना था। 169, 196 और 121 तीनों के तीनों नंबर जो हैं आपके परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, देन आप बता सकते हो कि तो 250 जो होगा आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। तो इस टाइप के इजी क्वेश्चन थे दोस्तों। देन आपका ऑड वन आउट से एक और क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूछा गया था आपको म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट दिए गए थे, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए थे, 3 म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट दिए गए थे, उनमें से जो चौथा था वो आपका म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट नहीं था, वो था आपका फैक्टोफोन। फैक्टोफोन एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, तो फैक्टोफोन इसका सही आंसर था दोस्तों। एक क्वेश्चन आया आपका सिलॉगिज्म से, सिलॉगिज्म से क्वेश्चन क्या था दोस्तों देख लेते हैं। सिलॉगिज्म से था टोटल एक क्वेश्चन। सिलॉगिज्म से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था आपका, उसमें मैं आपको लॉजिक बताता हूँ किस टाइप से पूछा गया था। सम ए आर बी बोला गया था, एंड बोला गया था नो बी सी, देन बोला गया था हमें आपको कंक्लूजन्स दिए गए थे कि सम ए आर सी एंड सम बी आर सी। तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप बोलें सम ए आर बी तो हम इसको दिखा सकते हैं इस तरह से, एंड बोलें नो बी सी तो इसके दो केस पॉसिबल हैं, या तो नो बी सी इस तरह से हो सकता है ना, या नो बी सी इस टाइप से भी हो सकता है। सो हम बोल सकते हैं कि कंक्लूजन्स को अगर हम चेक करें तो उसमें वो लिखा हुआ है सम ए आर सी, सम ए आर सी यानी कि इस कंक्लूजन से गलत हो जाता है, इस केस से गलत हो जाएगा। तो ये टोटली गलत होगा, क्योंकि आपको एक भी कोई केस ऐसा मिल जाता है जिसमें आपका कंक्लूजन फॉल्स हो रहा है तो आपका टोटल कंक्लूजन फॉल्स होगा। सेम गोज विद सम बी आर सी, तो सम बी आर सी जो है वो भी गलत हो जाएगा। बट अगर आप दोनों को कंबाइन कर लें सम ए आर सी एंड सम बी आर सी तो भी वैसे कुछ होगा नहीं, दोनों के दोनों को जो है आपके कंक्लूजन गलत होंगे, यानी कि नाइदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन टू, ये आपका सही आंसर था। तो दोस्तों एक आपका नंबर थ्री से क्वेश्चन आया था, नंबर थ्री से एक क्वेश्चन था आपका, एक अल्फाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चन था, अल्फाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चन था। नंबर थ्री से क्या क्वेश्चन था दोस्तों, नंबर थ्री से आपका क्वेश्चन था, आपको दिया गया था 6, 10, 18, 34 और पूछा गया था आपको कि यहाँ पर मिसिंग टर्म क्या होगी। तो आप बोल सकते हैं इसमें कि डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस है 8 का, देन आपका यहाँ पे आगे चेक करेंगे तो हम यहाँ पर डिफरेंस है आपका 16 का। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर 4 1 4 4 2 8 4 4 16, मतलब कि इसका ट्वाइस हो गया, 8 का ट्वाइस हो गया, देन 16 का ट्वाइस करोगे आप 32 आ जाएगा, 32 में 34 ऐड करोगे तो आपको मिसिंग टर्म यानी कि 36 + 30 दैट विल बी 66 आपकी मिसिंग टर्म आ जाएगी दोस्तों। तो ये था आपका नंबर सीरीज से क्वेश्चन। नंबर सीरीज के बाद हम देखें अगर एनालॉजी बेस्ड, तो एनालॉजी से भी आपके जो है 3 क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। उसमें एक क्वेश्चन था आपका नॉर्थ दिया हुआ था आपको, देन नॉर्थ रिलेटेड टू साउथ, नॉर्थ जैसे अपोजिट है, ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो हमें पूछा गया था कि हैप्पी जो है वो किससे रिलेटेड होगा, तो हैप्पी हो जाएगा आपका सैड से रिलेटेड दोस्तों। देन आपसे पूछा गया था एक क्वेश्चन और एनालॉजी का एक क्वेश्चन जो था आपका वो पूछा गया था, समवॉट एस्ट्रोनॉमी और स्टार्स को रिलेट किया गया था, एंड आपको
उसी से रिलेटेड जो है सेम लॉजिक पे रिलेटेड एक वर्ड पूछा गया था, वो किससे रिलेटेड है। तो आपको एक मिली थी एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड टू स्टार्स, देन हमें पूछा गया था कि एक वर्ड दिया गया था एंड सेम लॉजिक पे वो किससे रिलेटेड होगा। देन हम नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करें तो दोस्तों नॉन वर्बल रीजनिंग में आपके 4 to 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं हमें इस शिफ्ट में। इसमें आपका मिरर इमेज से एक क्वेश्चन था, मिरर इमेज से एक क्वेश्चन था आपका, आपका पेपर फोल्डिंग, पेपर फोल्डिंग से दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था पेपर फोल्डिंग का। पेपर फोल्डिंग से क्वेश्चन पूछा गया था आपका पेपर फोल्डिंग के बाद आपका एम्बेडेड फिगर से एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, एम्बेडेड फिगर से एक क्वेश्चन था। देन ये थी आपकी एनालिसिस टोटल लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग से जितने हमें क्वेश्चन मिले हमने आपके हिसाब से डिस्कस करे, तो लॉजिकल रीजनिंग में कहूँगा बहुत ही आपका इस शिफ्ट का इजी था। तो इसमें जो अटैम्प्ट होने चाहिए आपके 22 के अराउंड, 22-23 क्वेश्चंस के अराउंड आपके अटेम्प्ट आप कर सकते थे बहुत इजीली इस पेपर के अंदर। तो लॉजिकल रीजनिंग के लिए मैं बेस्ट अटेम्प्ट बोलूँगा आपके 22-23 क्वेश्चंस। देन बात करें अब हम क्वांट सेक्शन की, तो क्वांट सेक्शन में दोस्तों देखते हैं कि क्वांट सेक्शन में क्या क्या पूछा गया हमारे से। तो क्वांट सेक्शन के काफ़ी सारे क्वेश्चन हमें मिले हैं इस शिफ्ट के, तो हम डिस्कस करते हैं वन बाई वन क्वेश्चन को। तो आपको एक क्वेश्चन जो है पूछा गया था एलजेब्रा से, एलजेब्रा से जो क्वेश्चन था आपका, एलजेब्रा से दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं शिफ्ट में। एलजेब्रा का एक क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करता हूँ। एक क्वेश्चन था आपका ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी गई थी आपको 9, आपको दिया गया था ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, वो दिया गया था आपको -22। तो आपको पूछा गया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ABC की वैल्यू पूछी गई थी। तो आपको पता है दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी कि इसका होल स्क्वायर यानी 99 81 जो होगा आपका वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी यानी कि -22 आपको दिया गया है। तो आप बोल सकते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 81 प्लस 44। 81 प्लस 44 हो जाएगा 81 प्लस 4 इज 5, 85 एंड 85 125। तो 125 आपकी एस की वैल्यू आ गई है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी का फॉर्मूला आपको पता है, ये होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी की जगह मैं 9 पुट कर सकता हूँ। देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी 125 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए यानी कि माइनस माइनस ए प्लस हो जाएगा +22। तो ये आ जाएगी आपकी वैल्यू अपनी इस वाली टर्म की। तो ये हो गया आपका 125 प्लस 2 127, 127 प्लस 2 हो जाएगा आपका 147 × 9। तो ये हो गया आपका 9 7 63, 9 4 36 +6 हो गया आपका 2 कैरी ओवर 4, 9 1 9 एंड 4 13, 1323 जो है आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका दोस्तों एक एलजेब्रा का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और था एलजेब्रा से दोस्तों, एलजेब्रा से वो क्वेश्चन क्या था वो देखते हैं हम। क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा गया था आपको, वैल्यूज दी गई थी ए प्लस बी माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी माइनस फाइव का होल स्क्वायर, देन प्लस सी प्लस ए माइनस फाइव के होल स्क्वायर की वैल्यू दी गई थी आपको 0। और 0 कब हो सकती है, स्क्वायर के अंदर सबकी टर्म जो स्क्वायर वाली टर्म्स है वो खुद में भी 0 हो तभी ये 0 हो सकती है। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ए प्लस बी की वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ से 2 हो जाएगी, बी प्लस सी की वैल्यू 5 हो जाएगी, सी प्लस ए की वैल्यू आपकी अगेन 5 हो जाएगी। अगर आप इन सबको टोटल को जोड़ दो तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो है ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 12 आ रही थी, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 12 बाई 2 यानी कि। तो अब आप इन इक्वेशन से सॉल्व करके आप ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हो बड़े आराम से। अगर आप ए की वैल्यू निकालने जाओगे तो बी प्लस सी वाली इक्वेशन को कंसिडर करो, 6 माइनस 5 यानी कि ए की वैल्यू 1 आ गई। अगर आप बी की वैल्यू निकालने जाओगे तो ए प्लस बी ए प्लस सी की वैल्यू निकालने जाओगे तो ए प्लस बी की वैल्यू को कंसिडर करो, 6 माइनस 2 यानी कि 4 आ गई। तो सी की वैल्यू आ गई आपकी 4 एंड बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी अगेन 1। अब हमें पूछा गया था दोस्तों, पूछा क्या गया था हमें, हमें एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई थी। एक्सप्रेशन क्या दिया गया था हमें, ए प्लस सी की पावर बी प्लस बी प्लस सी की पावर ए माइनस 1। तो आपको पता है कि ए प्लस सी क्या हो गया, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 4 है, तो 1 प्लस 4 5, 5 की पावर बी, बी मतलब 1, 5 की पावर 1 ये हो जाएगा प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी कितना हो 5 अगेन, 5 की पावर ए 1 है तो 1 माइनस 1 यानी कि ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 1 यानी कि 9 का अंडर रूट आपका 3। तो 3 इसका सही आंसर था दोस्तों। देन हम बात करें एलजेब्रा के एक और क्वेश्चन की, तो एलजेब्रा से एक और क्वेश्चन पूछा गया था आपको।
थ्री की पावर ए इक्वल्स टू थ्री की पावर थ्री बी इक्वल्स टू थ्री की पावर फोर सी। तो हमें पूछा गया था कि हमें बताना था 12 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन 2 बी प्लस 1 अपॉन 5 सी की वैल्यू होगी क्या। तो आपको दिख रहा है दोस्तों, 3 की पावर ए इक्वल्स टू 3 की पावर 3 बी इक्वल्स टू 3 की पावर 4 सी लिखा हुआ है। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ए की इक्वल्स टू 3 बी इक्वल्स टू 4 सी होगा। अब यहाँ से आप ए रेशो बी रेशो सी निकाल सकते हो डायरेक्टली। ए रेशो बी रेशो सी निकालने के लिए आप पहले ए की ए का निकालना है तो आपको इन दोनों के ऑप्शन को मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 12। बी का निकालना है तो आपको ए और सी के ऑप्शन को मल्टीप्लाई कर दो, 4। सी का निकालना है तो इनका मल्टीप्लाई कर दो यानी कि 3। तो 12:4:3 जो है ए बी सी की वैल्यू आ गई। ए को आप 12 कंसीडर कर लो तो ये हो जाएगा आपका 1/12। बी को कंसीडर कर लो 4 तो ये हो गया 1/8। सी को कर लो 3 तो 1/15। तो इसके थ्रू आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। इसका अगर आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा आपका 120, ये हो गया 10, ये हो गया आपका 15, ये हो गया आपका 8, तो ये हो गया आपका 12। यहाँ से आप इसको काट दो, 10 आ जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा आपका 25। 25 प्लस 8 विल बी 33। तो 33/10 जो है इसका सही आंसर होगा। तो 33/10 इसका सही आंसर आ रहा था दोस्तों। देन हम चेक करते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप ट्रिग्नोमेट्री अगर हम डिस्कस करें तो ट्रिग्नोमेट्री से भी दोस्तों, ट्रिगो से भी ये पेपर आप, मैं कहूँगा ओवरऑल बहुत जो पुरानी शिफ्ट्स हैं उनको कंपेयर करके देखो तो ये पेपर थोड़ा सा ईजियर साइड पे था क्वांट सेक्शन जो इस शिफ्ट का था। हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिगो से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था हमें, ट्रिगो से क्वेश्चन पूछा गया था, 3 क्वेश्चंस के अराउंड थे ट्रिगो से। ट्रिगो से क्वेश्चन पूछा गया था हमें cos 40 upon sin 50 plus cos 50 upon sec 40 minus 4 sec 40 into sin 50। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास दोस्तों। डायरेक्टली आपको पता है कि cos 90 minus theta equals to sin theta and sin 90 minus theta equals to cos theta। तो आप cos 40 को लिख सकते हो, sin 50 से sin 50 कट जाएगा, ये खत्म हो गया। इधर से cos 50 है, ये sec 40 है, तो आप इधर से वापस इसको भी खत्म कर सकते हो क्योंकि ये आ जाएगा आपका टोटल cos 50 है, ये sec 40 है, यानी कि दैट विल बी इक्वल टू sin 40 एंड दिस विल बी इंटू cos 40। तो ये हो जाएगा ऊपर आके sin 40 into cos 40 एंड दिस विल बी आपका हो जाएगा, आई थिंक यहाँ पर साइन था दोस्तों, हाँ यहाँ था साइन, ये था आपका साइन 40। तो ये डायरेक्टली आप कट जाएगा एंड sec 40 है, ये sec 40 है, ये sin 50 है। तो sec 40 को ऐसे लिख लें दीजिए, sin 50 को आप cos 40 लिख सकते हो। cos 40 into sec 40 आपका 1 हो जाएगा, इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ गया आपका 1 + 1 - 4 यानी -2 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये था ट्रिगो का क्वेश्चन दोस्तों। ट्रिगो से और क्वेश्चन दोस्तों और नहीं मिले हमें ट्रिगो के जो क्वेश्चन हैं, आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में जाके कि ट्रिगो से और क्या क्वेश्चन आए थे। देन अब हम चेक करते हैं हमारे अगले टॉपिक ज्योमेट्री से, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से क्या क्या क्वेश्चन आए थे। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से क्वेश्चन देखें तो हम ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत ईजी क्वेश्चन था। आपको जो है एक फिगर दी गई थी, फिगर में क्या बोला गया था आपको, दो टेंजेंट्स एक पॉइंट से पी पॉइंट से दो टेंजेंट डलते हैं सर्कल पे, एक ए और एक बी, एंड वो अगर हम उन पॉइंट से सर्कल पे जो है ज्वाइन कर दें उन पॉइंट्स को तो आपका जो एंगल दिया गया था, आपको एंगल दिया गया था OBA की वैल्यू दी गई थी आपको 30 डिग्री। तो आपको बताना था कि टोटल एंगल P की वैल्यू कितनी होगी। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था दोस्तों, ये 30 है। आपको पता है कि टेंजेंट जो है सर्कल से ड्रॉ करे हुए पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे अगर आप सर्कल से एक लाइन ड्रॉ कर दें तो वो जो एंगल बनाते हैं एक दूसरे में वो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो गया, और आपको पता है ये साइड जो है ये साइड के बराबर होगी क्योंकि एक कॉमन पॉइंट से दो टेंजेंट्स अगर आप ड्रॉ करोगे तो वो इक्वल होते हैं, ये दोनों साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, नहीं ये भी 60 डिग्री हो जाएगा और आपका डायरेक्टली एक पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, एंगल पी की वैल्यू भी 60 डिग्री हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन था दोस्तों ज्योमेट्री से। देन एक बात करें अगर हम, एक आपका मेंसुरेशन से क्वेश्चन आया था, मेंसुरेशन के क्वेश्चन को देख लेते हैं। मेंसुरेशन से क्वेश्चन था आपका एक ट्राइंगल दिया गया था, इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसका आपको एरिया दिया गया था 36√3 cm². आपको बताना था उसका पैरीमीटर को, आपको उसका पैरीमीटर बताना था। आपको पता है एरिया क्या होता है, √3/4 a² √3/4, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 a² तो 36
रूट थ्री का दिया गया था आपका, रूट थ्री से रूट थ्री कट जाएगा एंड ए स्क्वायर का अब अंडर रूट निकालोगे तो ए की वैल्यू आपकी डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगी, ये हो जाएगा 6 क्रॉस 6 यानी कि 6 × 4 यानी कि 2 क्रॉस 2 यानी कि 2, तो ए की वैल्यू आपकी 12 आ गई यहाँ से। और आपको पता है कि 3A जो होता है वो पेरीमीटर होता है आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो 12 × 3 = 36, 36 सेंटीमीटर, इसमें कुछ करना नहीं था आपको, 36 सेंटीमीटर सीधा आंसर आ जाता आपका। तो ये था दोस्तों आपका मेंसुरेशन से। एक जो ट्रिगो का क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं आपको, एक ट्रिगो का क्वेश्चन आया था दोस्तों, x sin θ − y cos θ = 1, x sin θ x cos θ + y sin θ = 4 दिया गया था आपको एंड आपको पूछा गया था कि x² + y² की वैल्यू क्या होगी। तो आप डायरेक्टली इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा x² sin²θ + cos²θ 1 होता है, तो डायरेक्टली ऊपर हट जाएगा x² + y² यानी कि 4 × 4 = 16 + 1 यानी कि 17, ये आ जाएगा आपका 17। तो x² + y² की वैल्यू आपकी डायरेक्टली 17 आनी थी, तो ये ही आपका आंसर हो जाता। तो ये था आपका आंसर दोस्तों। आप दोस्तों प्रॉफिट लॉस की बात करें तो प्रॉफिट लॉस से आपके प्रॉफिट लॉस से दो क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों इस शिफ्ट में। तो प्रॉफिट लॉस में क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन बोला गया था आपको 18% प्रॉफिट हो रहा है एक आदमी को अगर वो सीपी को 49 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस को अपने 49 रुपीज़ कम कर ले, 49 रुपीज़ कम कर दे तो उसका प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाता है, 25% प्रॉफिट हो जाता है। तो हमें पूछा गया था उसका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या था, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि यहाँ से 25 मतलब डिफरेंस कितना हुआ, 7%, 7% प्रॉफिट की वैल्यू आपने 49 दी है आपको, 1 की वैल्यू आपको 7 रुपीज़ हो गई, तो आपको 100 की वैल्यू आ जाएगी आपकी डायरेक्ट 700 रुपये। तो 700 रुपये उसका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस था, डायरेक्ट 2 सेकंड का क्वेश्चन था दोस्तों, आई होप आपने कर लिया होगा बहुत इजीली। देन अब हम बात करें आपका मेंसुरेशन से ही, तो मेंसुरेशन से एक और क्वेश्चन पूछा गया था आपका दोस्तों, मेंसुरेशन से बात करें हम तो मेंसुरेशन से क्वेश्चन था आपका, एक मेटालिक स्फीयर था, मेटालिक स्फीयर ऑफ डाया 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर के मेटालिक स्फीयर को आपने रिकास्ट किया था, रिकास्ट किया स्मॉल स्फीयर्स में, स्मॉल स्फीयर्स में जो कि आपके रेडियस 5 सेंटीमीटर की रेडियस के वो थे, 5 सेंटीमीटर रेडियस के आपके स्मॉल स्फीयर्स थे, तो आपको पूछा गया था कितने नंबर ऑफ स्फीयर जो है उससे बन जाएंगे। तो मेटालिक स्फीयर की डाया 40 सेंटीमीटर हो गई तो रेडियस हो जाएगी आपकी 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर रेडियस वाले उसको आपने 5 सेंटीमीटर रेडियस वाले स्फीयर्स में कन्वर्ट कर लिया है आपने। तो आपको पता है कि वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 πr³, एंड इधर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 πr स्मॉल आर क्यूब, तो आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ क्यूब, नंबर ऑफ स्फीयर्स जो होंगे वो कितने बनेंगे, वो हो जाएंगे आपके 20³ / 5³, यानी कि दैट विल बी 4³, यानी आपका हो गया 64, 64 नंबर ऑफ स्फीयर्स जो हैं हमारे फॉर्म हो गए थे इससे। तो बात करते हैं दोस्तों, अब एक क्वेश्चन और पूछा गया था आपसे टाइम एंड वर्क से। तो टाइम एंड वर्क से क्या क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, टाइम एंड वर्क से पूछा गया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, दिस पेपर वाज लिटरली आपका काफ़ी जो है इजी था, तो आई होप आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आए होंगे इसमें। एक ए बी सी जो है तीन लोग हैं वो, आप एक जो है आपका 24 काम करता है, बी आपका 20 डेज में काम कर लेता है ख़त्म को, और एक जो है 18 डेज में काम खत्म कर लेता है। तो हमें पूछा गया था अगर बी प्लस सी जो है काम को 6 डेज में ख़त्म कर लेते हैं, ए बी प्लस सी अगर काम 6 दिन तक काम करते हैं तो ए जो है अलोन उसके बाद आ जाता है बी प्लस सी के जाने के बाद, और ए अलोन कितने दिन में रिमेनिंग वर्क जो है, रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में ख़त्म कर देगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, आपको डायरेक्टली इसका एलसीएम लेना था, एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 360, ये हो जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा आपका 18, ये हो जाएगा आपका 24 × 24 और आपका ये हो गया 6 12 15, हाँ। तो टोटल बी और सी ने मिलकर 6 दिन काम किया, यानी कि बी और सी ने, बी और सी की एफिशिएंसी यानी कि 1 डे वर्क कितना हो गया 18 और 20 यानी 38, 38 वर्क, 38 एफिशिएंसी के साथ उन्होंने 6 दिन काम किया, तो उन्होंने टोटल कितना वर्क कर लिया होगा 360 में, यहाँ 48 हासिल लगी आपकी चार्ज 18 18 + 4 हो गया आपका 22, 228 जो है उन्होंने वर्क खत्म कर लिया 360 में से, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा आपका, ये रिमेनिंग वर्क बचेगा आपका 10 − 8 = 2, 5 − 2 = 3 एंड दैट विल बी आपका हो जाएगा 3 − 2 = 1, 132 यूनिट्स वर्क बचा है, करना किसको है, ए अलोन को, ए की एफिशिएंसी कितनी है 15, आप डिवाइड कर लीजिए इसको, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका
115 7 जब आपका 15 8 जब 120 हो गया आपका, तो 15 8 जब 120 एंड बचा आपका ऊपर टोटल 12 अपॉन 15, 8 होल 12 बाई 15 यानी कि 8 होल 4 बाई 5, 8 होल 4 बाई 5 जो है इसका सही आंसर आ जाता। एक और जो है 8 होल 4 बाई 5 डेज लगेंगे अलोन उस रिमेनिंग वर्क को कम काम को खत्म करने में। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी था। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में किस टाइप का क्वेश्चन था दोस्तों आपका? रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन पूछा गया था आपको कि आपको दिया गया था 11,800 रुपीज जो है डिवाइड किए जाते हैं ए बी और सी के बीच में, और ए बी और सी का रेशियो दिया गया था आपको, ए रेशो बी रेशो सी, ए रेशो बी रेशो सी दिया गया था आपको। वो दिया गया था आपको 35:14:10। आपको बताना था कि जो है बी को कितना अमाउंट मिलेगा, बी शेयर कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना था, इन सबको ऐड करना था, दैट विल बी आपका हो जाता 49 + 10 59। 59 की वैल्यू दी गई थी आपको 118,00, तो ये आपका आ जाता 200 रुपीज़। तो डायरेक्ट आपको बी शेयर जो था 14 × 2 = 2800, 2800 जो है आपका बी का शेयर आ जाता। एक क्वेश्चन आपका दोस्तों उस पर भी दिया गया था टाइम एंड डिस्टेंस से भी, टाइम एंड डिस्टेंस से आपका क्वेश्चन दिया गया था। टाइम एंड डिस्टेंस से क्या क्वेश्चन दिया गया था आपको दोस्तों? आपको बोला गया था कि बॉय जो है अपने घर से निकल के 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है स्कूल, तो उसको 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है वो स्कूल, उसको टाइम लगता है 1.25 आवर का, 1.25 आवर का। अगर वो अपनी स्कूल में 25% मतलब कि आपका 25% लेस टाइम में पहुंचना चाहे, यानी कि 1.25 आवर से जो है 2.25% कम टाइम लगाना चाहे, तो उसको स्पीड कितनी बढ़ानी होगी? आपको पता है दोस्तों डिस्टेंस तो सेम ही है ना, डिस्टेंस तो सेम है, तो स्पीड का रेशियो जो हो जाएगा वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। अगर आपका डिस्टेंस सेम है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि उसने 25% जो है कम करना था, यानी कि पहले अगर वो 4 टाइम ले रहा था, 4 यूनिट टाइम ले रहा था, वो 3 यूनिट टाइम ले, तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा आपका सीधा 3 यूनिट टाइम ले रहा है तो 3 की स्पीड से चल रहा है, 3 यूनिट स्पीड से चल रहा है तो वो 4 यूनिट की स्पीड से चलना शुरू कर दे। अभी 3 की वैल्यू 4 दी गई थी यहाँ पे आपको, 1 की वैल्यू हो गई 4/3, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 की वैल्यू हो जाएगी आपकी दोस्तों, 4 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 16/3, यानी कि 16/3 × 100 ये हो गया आपका कितना परसेंट, ये हो गई आपकी 16/3 km/h, मतलब 16/3 km/h से वो चलने लगा। इवन आपको इसमें इंक्रीज इन परसेंटेज पूछा गया था, तो इंक्रीज इन परसेंटेज के लिए आपको कुछ ये सब स्टेप भी नहीं करने थे, आपको डायरेक्टली बोल सकते थे कि ये इंक्रीज कितनी हुई है, 1 इंक्रीज हुई है 3 से, तो इंक्रीज इन स्पीड जो हो जाएगी यहाँ पे, मैं बता देता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ, इंक्रीज इन स्पीड परसेंटेज इंक्रीज इन स्पीड हो जाएगा आपका 1/3 × 100 यानी कि 33 होल 1/3%। तो ये था दोस्तों आपका टोटल एनालिसिस क्वांट का, एंड मैं कहूँगा बेस्ट अटेम्प्ट्स क्वांट में आज के पेपर को देखते हुए, तो आप आराम से 18 to 22 क्वेश्चंस कर सकते थे इस पेपर में। तो बेस्ट अटेम्प्ट्स अगर आप इस रेंज के अंदर लाई करके एक्यूरेसी के साथ लाई कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा पेपर हुआ है, आपको एक अच्छी लीड मिलने वाली है इस एग्जाम के Tier 1 में। तो दोस्तों मिलते हैं अगली एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और साथ में जो है हमारे करंट अफेयर्स जो हैं वो भी पढ़ते रहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स इस बार जो है आपके SSC में ऐसा लग रहा है कि हमारे सारे करंट अफेयर्स जो हैं लगभग लगभग 70 to 80% सेम करंट अफेयर्स आपको देखने को मिले हैं। बच्चे भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं करंट अफेयर्स का, तो करंट अफेयर्स एक बार जाके देखिए आप, आपको पता लगेगा कि काफ़ी यूजफुल थे। आप पिछले कुछ महीने के एनालिसिस करके देखिए, आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो हमारी SSC CGL की शिफ्ट चल रही हैं उनमें। तो दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।